और खबर है कि पुणे की एक सोसाइटी में एक के बाद एक 80 गाड़ियों में आग लगने से घटना में सनसनी फैल गई। गाड़ियों में आग किसने लगाई ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस को किसी की करतूत दिखाई दे रही है इसमें। पुणे में सिंगर रोड पर बनी इस इमारत के लोग आज सुबह जब सोकर उठे तो ये मंजर देखकर हैरान रह गए। हर तरफ बुरी तरह जली हुई गाड़ियां नजर आ रही थी। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो ये गाड़ियां जलकर खाक हो गईं। क्योंकि ये अचानक आग लगने की किसी घटना का मंजर नहीं था, ये दंगाइयों की किसी हरकत का मंजर भी नहीं था। 3:15 बजे आवाज की वजह से मुझे जाग आई, तो फिर मैंने बाहर आके देखा तो फिर सारी गाड़ियां जल रही थी। हमें पूरी धुएं की वजह से हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते थे। करीबन 3:30-4 बजे के आसपास घटना घड़ी हुई है। आवाज की वजह से हमारे सब सोसाइटी को पता चला, उसके बाद अग्निशामक वाले आने के बाद हमारे को छुटकारा मिला। तफ्तीश हुई और सीसीटीवी खंगाला गया तो सामने आया गाड़ियों के यूं खाक होने का राज। पुणे के सिंगर रोड इलाके में बाइक और कारों को आग लगाने की हरकत की है एक सिरफिरे ने, जिसकी हरकत इमारत में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। अभी तक दो जगह सीसीटीवी फुटेज मिली है, डेवलप करने का काम चालू है। किसी के ऊपर अभी तक तो डाउट क्लियर नहीं हो गया है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उस अनजान शख्स की यहाँ के लोगों से क्या अदावत थी ये कोई समझ नहीं पा रहा। उस सिरफिरे ने बाइक और कार समेत करीब 80 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने अनजान शख्स के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पंकज खेलकर, पुणे आज तक।